उसमें जो है आपका जो आगे इंजन में ऑयल नहीं पहुंचा पाती है। अगर ये देखिए पूरी डस्ट जमी हुई है, ये साफ कर देंगे तो इसमें जो ऑयल चलता है यहाँ से ऑयल चलेगा और यहाँ पे क्लीन होता है, क्लीन हो करके इसमें हेड में चढ़ाता है, न्यू ऑयल चढ़ाता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल राकेश बाइक रिपेयरिंग। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बात करेंगे एक्टिवा और एविएटर के जो एयर फिल्टर पड़ता है उसके बारे में। तो फ्रेंड इसमें तीन एयर फिल्टर पड़ते हैं, एक एयर फिल्टर पड़ता है, एक यूरो टू फिल्टर पड़ता है और एक ऑयल फिल्टर पड़ता है। तीन फिल्टर पड़ते हैं, दो फिल्टर के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख लीजिएगा। और ये जो ऑयल फिल्टर है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड वो जो ऑयल फिल्टर होता है वो यहाँ पे लगता है, ठीक है फ्रेंड। आपने एयर फिल्टर चेक किया होगा, इसमें एयर फिल्टर लगता है, उसके अंदर यूरो टू लगता है, यूरो टू के बारे में मैंने बताया है। लेकिन ये जो ऑयल फिल्टर है इसके बारे में आपको बहुत कम वीडियो मिला होगा, बहुत कम यूट्यूबरों ने बताया है। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में कि अगर ये जो ऑयल फिल्टर है क्लीन नहीं करेंगे तो आपका इंजन सीज हो सकता है। वो कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसको ओपन करके दिखाऊंगा और इसको साफ करके दिखाऊंगा इसको कैसे साफ किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। वीडियो बने रहिएगा। तो चलिए हम इसे इसके लिए इसको लिटा देते हैं। अगर आपको लिटाना नहीं है तो इसका ऑयल पूरा निकालना पड़ेगा तब इसको ये खोल पाएंगे। अगर इसको ऑयल नहीं निकालना है और ऐसे ही इसको साफ करना है तो इसको क्या करना है, आपको लिटा देना। तो चलिए हम इसे लिटा देते हैं गाड़ी को। तो फ्रेंड वो एयर जो ऑयल फिल्टर है वो इसमें लगता है, ठीक है फ्रेंड। इसमें जो है 17 नंबर गोटी से ये खुल जाएगा, पानी से भी आप खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए इसको हम ओपन करेंगे, तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और ओपन करके इसमें दिखाते हैं कि इसमें जो ऑयल फिल्टर लगता है वो कितना यूज़फुल होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम निकालेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर ढक्कन लगेगा तो इसे हम अलग रख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है ये स्प्रिंग लगती है और स्प्रिंग के साथ साथ ये होता है ऑयल फिल्टर होता है। ये देखिए ऑयल फिल्टर होता है, ये हम निकालते हैं। ये देखिए इसमें कितना कचरा जमा हुआ है, ये बाहर साइड जो है इसमें कितना कचरा जमा हुआ है। ये अगर पूरा चोक हो जाता, पूरा जाम हो जाता है तो इसमें जो है आपका जो आगे इंजन में ऑयल नहीं पहुंचा पाती है। अगर इंजन में आगे ऑयल नहीं पहुंचा पाएगी तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है सीज हो जाएगा। ये वर्क कैसे करता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो चलिए इधर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड इसमें देखिए ये होल होता है, ये होल से ही इसमें जो होता है फिल्टर होता है ऑयल, और फिल्टर हो करके हमारे इंजन में ऑयल चढ़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो आपको अगर कभी भी आप गाड़ी सर्विस कराते हैं या फिर कभी भी इंजन बनवाते हैं, बहुत से लोग हमारे मैकेनिक भाई होते हैं वो इंजन बनाते हैं और इंजन बनाने के बाद इसको क्लीन नहीं करते हैं। एक्टिवा का ये वाला जो फिल्टर होता है इसे कोई जल्दी क्लीन नहीं करता है, हालांकि इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। अगर आप इसे क्लीन नहीं करेंगे तो आपका जो इंजन है बहुत ही जल्दी सीज हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप लोग गाड़ी का मतलब सर्विस करते हैं या फिर एयर फिल्टर साफ करते हैं या ऑयल फिल्टर साफ करते हैं तो ये वाला फिल्टर जरूर साफ कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये जो ऊपर ये देखिए पूरी डस्ट जमी हुई है, ये साफ कर देंगे तो इसमें जो ऑयल चलता है यहाँ से ऑयल चलेगा और यहाँ पे क्लीन होता है, क्लीन हो करके इसमें हेड में चढ़ाता है, न्यू ऑयल चढ़ाता है क्लीन करके। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम इसे क्लीन कर देते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए हमने साफ कर दिया है। और फ्रेंड एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा कि स्प्लेंडर में, पैशन में क्लच साइड में जाली लगती है प्लेन सी, वही इसका भी काम होता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो आपका जो इंजन है सीज हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। खराब क्या है, इसमें कचरा अगर जम जाता है चारों तरफ से तो ये आगे जो है इंजन ऑयल सप्लाई नहीं करता, सप्लाई नहीं करेगा तो अगर इंजन को इंजन ऑयल नहीं मिलेगा तो आपका जो इंजन है जल्दी सीज हो जाएगा, जो है अगर ये पूरा जाम हो जाएगा तो आगे इंजन ऑयल नहीं पास कर पाएगा, ठीक है फ्रेंड। और इसको लगाने का सही तरीका क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आप लगा देंगे और इसको इस तरीके से बैठा देंगे, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से ये लगता है, बहुत से लोग इस ऐसे बैठा देंगे या ऐसे बैठा देंगे, ऐसे नहीं लगेगा, ये इस तरीके से फिट होगा, ठीक है फ्रेंड। इस तरीके से हमको ये फिट करना है, ये हमने फिट कर दिया अच्छे से, नीचे बैठा देंगे। और बैठाने के बाद इसको ये ढक्कन है, ये ढक्कन जो होता है टैपिड ढक्कन होता है, अगर ये टूट भी जाता है तो आप टैपिड ढक्कन लगा सकते हैं जो स्प्लेंडर के हेड में लगता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसको हम टाइट करते हैं, 17 नंबर पाने से ये जो है टाइट हो जाएगा, लेकिन मैं गोटी से कर रहा हूँ क्योंकि ये स्लिप बहुत जल्दी होते हैं और ओपन होने में भी दिक्कत होती है। इस तरीके से हमको टाइट कर देना है, ये देखिए ये टाइट कर दिया हमने। और इसको और अच्छे से चेक कर लेंगे, ये हमने टाइट कर दिया।
ठीक है फ्रेंड। तो आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिल्टर अगर नहीं साफ होता है तो हमारी गाड़ी का जो इंजन सीज हो सकता है एक्टिवा का। ठीक है फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।